खवातीन की घरों में तरावी की जमात। क्या घर की खवातीन? मसलन मेरी चाची, ताई और इनकी बेटियां वगैरह मेरे पीछे घर में तरावी अदा कर सकती हैं? अगर हाँ कर सकती हैं तो इसकी क्या सूरत होगी और किस तरह सफ़ें बनाई जाएंगी? मोहम्मद सफ़ान दिल्ली से। जी कर सकती हैं, अगर पर्दे की मुकम्मल पाबंदी हो। इसी तरह सफ़ें बनेंगी कि सबसे आगे आप खड़े होंगे और अगर कोई मर्द भी है तो वो आपके पीछे और फिर पीछे ख़वातीन की सफ़। औरत का तरावी की इमामत करना। क्या लड़की तरावी की इमामत कर सकती है जबकि पीछे सिर्फ ख़वातीन हों? नीज़ अगर पीछे लड़का भी खड़ा हो जाए तो क्या हुक्म होगा? मोहम्मद तस्लीम अख्तर, इंडिया से। तरावी में ख़ातून को इमाम बनना ख़वातीन का ये मकरूह है, नापसंदीदा है। पूरे दौरे नबूवत में एक वाक़या हमें इसका मिलता है कि अम्मी आयशा ने ख़वातीन को नमाज़ पढ़ाई थी, बीच में खड़े होकर, आगे नहीं खड़ी हुई थी वो। लेकिन फिर बाद में हज़रत आयशा से भी ये मनकूल नहीं है और सहाबा में से भी ये मनकूल नहीं है। तो अगर ये सुन्नत अमल होता या जायज़ अमल होता तो सहाबा में इसका रिवाज होता। तो इससे पता चलता है कि इस पर को सहाबा ने फॉलो नहीं किया और ख़ुद अम्मी आयशा से भी ये साबित नहीं है कि वो बाद में जो है बाकायदा प्रॉपर इस तरह से जमात की नमाज़ कराती हूँ। तो इसलिए उलमा ने लिखा है कि नमाज़ तो हो जाएगी क्योंकि अम्मी आयशा ने एक दफ़ा पढ़ाई है नमाज, तो नमाज तो हो जाएगी मगर ये तरीक़ा मकरूह है, नापसंदीदा है। तो इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि वो इमामत ना किया करें क्योंकि ये असलाफ़ में हमें ये मामूल नहीं मिलता इसका, बल्कि मर्द ही इमामत करे और ख़ातून पीछे खड़ी हों। बाज़ ख़वातीन कहती हैं हमने रमज़ान में कुरान दोहराना है, तो वो नमाज़ के बग़ैर भी दोहराया जा सकता है, सुन के भी दोहराया जा सकता है। बाकी ये कि अगर ख़ातून के पीछे कोई मर्द खड़ा हो जाए तो उसकी नमाज़ तो बहरहाल नहीं होगी किसी कीमत पे भी। ज़कात किन चीज़ों पर फ़र्ज़ है? ज़कात किन किन चीज़ों पर होती है? क्या सिर्फ कैश पर होती है या गाड़ी वगैरह जो इस्तेमाल में हो इस पर भी ज़कात होती है? रेहाना साहिबा क्वेटा से। ज़कात चार चीज़ों पर होती है, इसको याद कर लें। कैश अमाउंट जो आपके पास है उस पर बहरहाल आपने ज़कात देनी है, थोड़ा हो या ज़्यादा हो। सोना अगर आपके पास है उस पर बहरहाल आपने ज़कात देनी है, बशर्ते के 52.5 तोला चांदी के बराबर हो और सोने के साथ बकिया तीन चीज़ों में से भी कुछ हो। यानी खालिस अगर सोना आपके पास है और पैसे बिल्कुल भी नहीं है, चांदी बिल्कुल भी नहीं है, तिजारती माल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ सोना ही सोना है, तो फिर 7.5 तोले सोने से कम पे ज़कात होती नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, जब भी किसी के पास सोना होता है तो कुछ ना कुछ कैश अमाउंट तो होता ही है। तो इसलिए फिर ऐसी सूरत में सोना नहीं देखा जाएगा बल्कि ये देखा जाए, सोना असल नहीं देखा जाएगा बल्कि सोने की वैल्यू देखी जाएगी कि 52.5 तोले चांदी के बराबर सोना है या नहीं है। और वो आधा तोला सोना भी आजकल 52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाता है। तो इसलिए दोबारा बता देता हूँ, चार चीज़ें देखनी है, सोना, चांदी, कैश अमाउंट और सामान तिजारत। तिजारती सामान कहते हैं वो सामान जो आपने बेचने के लिए ख़रीदा हो और अब तक बेचने की नीयत आपकी बाकी हो, यानी जिस दिन ज़कात निकाल दी है ना, जो ज़कात के वाजिब होने की तारीख़ है आपकी, उस दिन भी आपकी बेचने ही की नीयत बरकरार हो, दरमियान में नीयत तब्दील ना हुई हो, तो ऐसी चीज़ों को सामान तिजारत कहा जाता है। कोई प्लॉट आपने ख़रीदा बेचने के लिए, कोई मकान आपने ख़रीदा बेचने के लिए, जो दुकान में आपने सामान डाला होता है सारा बेचने के लिए डाला होता है, लिहाजा जितने दुकान में असासे पड़े हैं सब पे ज़कात वाजिब होती है। तो जो भी चीज़ बेचने के लिए ख़रीदी है वो सामान तिजारत में दाखिल है। तो ये चार चीज़ें अगर आपके पास हैं और इनकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाए, जो कि हो ही जाती है आमतौर पर आजकल, तो फिर आप पर ज़कात उनकी वाजिब है। इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करके वैल्यू निकालें, 40 पर डिवाइड करें, जो जवाब आए वो ज़कात है, फ़ौरन दे दें, 2-4 दिन बाद दे दें, फ़कीर का इंतज़ार करें तो कि जब कोई मुस्तहिक मिलेगा उस वक्त दे दें, लेकिन हिसाब उसी दिन का करना है आपने। Ask Mufti Tariq Masood.